jagrato duramudaiti daivantatu suptasya tathaivaiti durangaman jyoti hanjyoti rekantanne manah sankalpamastu. Samadharaniya manch, aur garima mai vedanisht sabha. कल से मैं एक चर्चा सुन रही थी और बार बार उस श्लोक का उल्लेख हो रहा था, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो भूतमे विचर ऋग्वेदात अभिनयात रसान अथर्वनादपि. मैं इसके संपूर्ण पक्ष को नहीं छू रही हूँ. इसका जो चौथा चरण है रसान अथर्वनादपि, मैंने अपने विषय को उसका केंद्रित रखा है. इस कारिका के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से भरत ने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि जिसको हम नाट्य कला कहते हैं, जो हमारा नाट्य है, उसके निर्माण की सामग्री वैदिक काल में तैयार हो चुकी थी, वैदिक काल में वो अपना रूप ले चुकी थी. तो आरंभ में मैंने इसी को थोड़ा व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, उसके बाद रस किया है और वेदों का रस के साथ संबंध, और विशेष रूप से अथर्व वेद का रस के साथ क्या संबंध है उस पर प्रकाश डाला है, और कुछ मंत्रों में उन रसों के और भावों के अनुप्रयोग की मैंने चर्चा की है. काव्य का जो मुख्य तत्व है वो रस माना जाता है. काव्य कला के लिए लोगों की प्रवृत्ति होती क्यों है? जब तक उसमें रस या आनंद नहीं होगा व्यक्ति उधर जाएगा ही नहीं. इसलिए रस को भारतीय काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने आत्मा का स्थान दिया है, आत्मा के रूप में प्रतिष्ठापित किया है. जैसे कहते हैं, न ही रसाद्रिते कश्चिदपि अर्थ प्रवर्तते. रस के बिना कोई अर्थ प्रवृत्त ही नहीं होता, उसकी ओर किसी की प्रवृत्ति ही नहीं होती. काव्यस्य आत्मा स एव अर्थः, काव्य की आत्मा तो वही अर्थ है, तो वही अर्थ से ये रस की ओर संकेत करना चाह रहे हैं. वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस है आत्मा जिसकी, ऐसा वाक्य काव्य कहलाता है. तो इस तरह से बहुत लंबी परंपरा है भारतीय काव्य शास्त्रीय आचार्यों की, जिन्होंने रस को बहुत महत्व दिया और काव्य के प्रमुख तत्व के रूप में स्थापित किया था. और शेष जो तत्व भरत गिना रहे हैं, जैसे पाठ्य है, अभिनय है, गीत है, ये तीनों तत्व उस रस की पुष्टि के साधन हैं. पाठ्य का दायित्व कवि संभालता है, अभिनय का दायित्व अभिनेता संभालता है, और गीत संगीत ये जो कार्य है ये कुशी लव संभालते हैं. जो संगीत या गायक वादकों का जो समूह होता है वो अपने कला कौशल से उस नाट्य को और अधिक रोचक बना देते हैं. लेकिन जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, उस दर्शक का जो संबंध होता है वो रस के साथ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है. तो भरत कहते हैं कि ऐसा रस कहाँ से लिया गया नाट्य निर्माण के समय? तो उन्होंने उसका संबंध बताया, अथर्वणादपि रसान अथर्वणादपि, अर्थात रसों को अथर्व वेद से भी लिया गया. अथर्वणादपि अपि शब्द लगा है, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार की विचिकित्सा नहीं है कि रसों का संबंध अन्य वेदों के साथ नहीं है. अन्य वेदों के साथ भी रस जुड़े हुए हैं, लेकिन अथर्व वेद के साथ इसका विशेष संबंध है. तो पहले हम चर्चा इसी पर करते हैं कि रस क्या है और वेदों के साथ उसका कैसा संबंध है. क्योंकि इस बात को स्वीकार करना कि वेद काव्य है, हम काव्य शास्त्री तो कोई संदेह नहीं करते हैं, हमारी दृष्टि में वो काव्य है और उसका प्रणेता कवि है, कवि मनीषी परिभू स्वयंभू, और देवस्य काव्यम के रूप में हम अपना जो विचार आरंभ करते हैं वेदों से ही आरंभ करते हैं. तो सामान्य रूप से यदि हम रस को परिभाषित करने का प्रयास करें तो जो भरत मुनि उसकी परिभाषा करते हैं, वो रस की निष्पत्ति कैसे होती है, आस्वाद कैसा होता है, उसके रूप में करते हैं. कोई
सॉलिड चीज के रूप में रस की बात उन्होंने नहीं किया, एक अनुभूति के रूप में कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इसमें विभाव होगा, अनुभाव होगा, संचारी होगा, और जब इन सब का स्थायी भाव के साथ संयोग होगा तो फिर रस निष्पत्ति हो जाती है, अनुभूति स्वतः हो जाती है। और ये रंगमंच पर जब नट अपनी क्रियाएं प्रस्तुत करता है तो अष्टम नाट्य रसास्मृता, वहां पर नाट्य रस प्रकट हो जाते हैं। तो संक्षेप में यदि बताएं तो विभाव कारण सामग्री को कहते हैं, कि कोई भाव उत्पन्न क्यों हुआ, व्यक्ति डर रहा है, क्यों डर रहा है, उसका कोई कारण होगा, तो वही कारण काव्य नाट्य में विभाव का कहलाता है। फिर डर गया तो कैसे पता चला कि वो डरा हुआ है, तो वो कुछ रिएक्शन देता है, वो कुछ क्रियाएं करता है, तो उसकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं जो उसके भाव को दिखाती हैं उनको हम अनुभाव कहने लगते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कारण भी होगा तो जरूरी नहीं है कि हम उस भाव से युक्त हो जाए, उसको और अधिक बढ़ाने के लिए कुछ क्षण विचार जिनको हम सहकारी कारण कह देते हैं उनको हमारे आचार्य व्यभिचारी भाव कह देते हैं। इस तरह से कारण भी होता है, कार्य भी होता है, सहकारी भी होता है, उनसे कोई भी भाव प्रकट हो जाता है। यहां तक तो इसकी स्थिति भाव की होती है, लेकिन जब वही भाव से दूसरा भी भावित होने लगता है उसको हम काव्य या नाट्य रस कहते हैं। यानी दर्शक जब रंगमंच पर नट को बहुत सारी क्रियाएं करते देखता है और वो उसमें कुछ ऐसी चेष्टाएं देखता है कि वो देखता है डरा हुआ है, इस समय वो रति से युक्त है, इस समय वो हास से युक्त है, तो दर्शक अपने व्यक्तित्व को भूल जाते हैं और वो भी उसके सुख में दुख में आनंदित होने लग जाते हैं। तो ये अवस्था काव्यशास्त्रीय आचार्यों ने रस की कही। अवस्था को पाकर व्यक्ति मुग्ध हो जाता है और आनंद का अनुभव करने लगता है। तो वेदों का ऐसे रस के साथ क्या संबंध है? वस्तुतः रस के लिए भाव मुख्य है। जैसे यदि प्रश्न किया जाए कि पेड़ पहले है या बीज है तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। बीज से पेड़, पेड़ से बीज की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, उसी तरह से भाव से रस और रस से भाव की प्रक्रिया सदा स्वतः होती रहती है। तो भाव ही रस रूप में सामने आता है। वेदों को टटोले तो वहां पर एक जो आरंभ मिलता है, सबसे पहले भाव की चर्चा आती है, उस भाव को कहा गया है काम। काम काम की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी, काम तदग्रे समवर्तत, काम सबसे पहले उत्पन्न हुआ। किसमें? शिक्षा के रूप में, सृजन की इच्छा के रूप में काम के आविर्भाव की चर्चा नासरी सूक्त इत्यादि करते हैं। और सह अकामयत, उसने कामना की, सह तपो अतप्यत, उसने तप किया, तो कामना के बिना कोई क्रिया नहीं होती है। तो जब काम और काव्य शास्त्री आचार्य जब बात करते हैं कि रस या भाव क्या है, तो कहते हैं कि व्यक्ति का चित्त एकदम शांत सरोवर जैसा है और उसमें जो प्रथम अभिक्रिया होती है उसको हम भाव कह देते हैं। निर्विकारात्मक चित्ते भावो प्रथम अभिक्रिया, कि निर्विकारात्मक चित्त में भाव प्रथम अभिक्रिया को कहते हैं, कि जो पहला भाव उत्पन्न होगा वो भाव सुखात्मक भी हो सकता है और दुखात्मक भी हो सकता है। तो जब काम का आविर्भाव हुआ, कामस तदग्रे समवर तदादि यजुर्वेद भी कहता है, अथर्व में कामो यज्ञ प्रथमो, इस तरह से आया है। तो ये जो काम है वही काम समस्त क्रियाओं का मूल है। और वेद के मंत्र हमें क्या कर, किसके किस उद्देश्य से वेद मंत्रों की हम चर्चा करते हैं, वेद मंत्रों का उपयोग विनियोग करते हैं, तो स्वाभाविक है उनका जो मुख्य अंश होता है वो है विधि, वो क्रियात्मक है। यदि वो क्रिया प्रधान नहीं होंगे तो उनको मीमांसा इत्यादि ने निरर्थक मान लिया है। और वेद में जितनी भी स्तुतियां, जितनी भी प्रार्थनाएं, वो किस उद्देश्य है, सकाम है, उनके मूल में कोई ना कोई कामना है। तो कामना यही सबसे मूल भाव है और व्यक्ति उस काम भाव से ही प्रेरित होता है, उस कामना से परिचालित होकर ही कोई क्रिया करता है। इसको घुमाकर यदि हम बात करें तो व्यक्ति की क्रिया को देखकर पहचाना जा सकता है कि उसके मूल में कौन सी कामना है, कौन सा काम है। अब इस काम की जब बात होती है तो काम सुख दुख मंगल अमंगल बहुत सारे भावों को उत्पन्न करता है
उसमें जो हमारे अनुयोगी हैं, हमारे अनुकूल हैं, उनको हम सुखात्मक भाव कह देते हैं, और जो प्रतिकूल होते हैं उनको हम दुखात्मक भाव कह देते हैं। तो जो कुछ करता है वह काम करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे मनुस्मृति ने कहा, ना कामतः क्रिया काचित दृश्यते कस्यचित क्वचित, काम के बिना किसी की कोई क्रिया होती है ऐसा नहीं देखा जाता है। काम ही करता है, काम ही कर्म है। तो कहते कामो अकाशित नाहम करूंगी, काम ही करता है, मैं नहीं करता हूँ। कामह करोति कामह करता कामह कारयिता, महानारायण उपनिषद इस बात को कहती है। तो इस तरह से काम जो है वो समस्त भावों का मूल है, और उसी से सुख दुख मंगल अमंगल यश पुण्य इत्यादि की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा काम विविध भावनाओं के मूल के रूप में, यदि सबसे विविधतापूर्ण रूप में यदि कहीं दिखाई देता है, तो वह है अथर्ववेद। क्योंकि अथर्ववेद का जो मूल विषय, मतलब सबसे ज्यादा विषय वैविध्य यदि हमें कहीं दिखाई देता है तो अथर्ववेद में दिखाई देता है। यद्यपि और वेदों के विषय जैसे सृष्टि के गूढ़ रहस्य हैं, दिव्य प्रार्थनाएं हैं, यज्ञ प्रयोग हैं, इन सब के साथ साथ जो लौकिक भावों से जुड़े हुए विषय हो सकते हैं, मारण कर्म, मोहन कर्म, उच्चाटन कर्म, वशीकरण, वाजीकरण, ये जो लौकिक भाव हैं, उनका भव्यता के साथ यदि हमें अवलोकन कर सकते हैं, यदि ये कहीं दिखाई देते हैं, तो ये अथर्ववेद में दिखाई देते हैं। तो इनमें जो क्रियाएं संपाद्य होती है, मान लीजिए जैसे मारण कर्म है, वशीकरण कर्म है, इनमें जो क्रियाएं संपादित की जाती हैं ऋत्विक के द्वारा, उनको हम उन क्रियाओं के साथ सामने देखते हैं जो रंगमंच पर नट के द्वारा अभिनीत होती हैं। जैसे पौष्टिक कर्म की ही हम बात करें, पौष्टिक कर्मों का संबंध हमें श्रृंगार और हास्य रसों के साथ दिखाई देता है। हास्य रस की स्थिति कैसे है ये मैं चर्चा करूंगी। श्रृंगार रस की हम बात करें तो श्रृंगार रस के मूल में रति भाव होता है, प्रेम भाव होता है। और ये जो क्रियाएं हैं पौष्टिक कर्म की, ये विशेष रूप से जैसे पुत्र जनन से संबंधित जो मंगल कार्य हैं उनके संपादित करने के लिए की जाती थी। और इनमें जो भावना थी, जो काम थी, जो इच्छा थी, सौमनस्यपूर्ण दाम्पत्य जीवन की कामना आपको इसमें दिखाई देगी। किसी प्रिय को कैसे स्वाभिमुख किया जाए, अभिमुख बनाया जाए, उसके लिए अविचार कर्म इसमें किए जाते थे। सपत्नी के प्रति कैसे उच्चाटन हो और सपत्नी के द्वारा की गई उच्चाटन क्रियाओं का कैसे प्रतिकार किया जाए, ये उसमें होते थे। तो स्वाभाविक है कि ऐसी क्रियाओं के मूल में हम रति भाव को स्वीकार कर सकते हैं। ये रति भाव से प्रेरित क्रियाएं होती थी। और हास्य, हमारे काव्य शास्त्री आचार्य कहते हैं कि जो हास्य है वो श्रृंगार की ही अनुकृति है, श्रृंगारानुकृति हास्य, हास्य श्रृंगार की अनुकृति है, अनुकरण है। कैसे अनुकरण हास्य बन जाता है कि यदि कोई अनुचित स्थान पर अपनी प्रीति का प्रकाशन करे और उसका कोई अनुकरण करे तो हास्य स्वतः उत्पन्न होने लगता है। मृच्छकटिकम नाटक बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें जो शकार है, शकार की वसंत सेना के प्रति जो जो क्रियाएं वर्णित की हैं, वो दर्शकों को रति या श्रृंगार की अनुभूति नहीं कराती हैं, वो हास्य की अनुभूति कराती हैं। तो इस प्रकार से यदि हम कुछ मंत्र देखें तो यहाँ पर हमें श्रृंगार के जो भेद होते हैं विशेष रूप से, तो जैसे संयोग श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार की हम बात करते हैं, फिर उनके प्रवास मान इत्यादि भेद मिलते हैं। कहीं ना कहीं इनका बीज हमें स्पष्ट रूप से अथर्ववेद के मंत्रों में दिखाई देता है। एक मंत्र जैसे देखिए, यथा वृक्षम लिबुजा समंतम परिश्वजे एवा परिश्वजस्व माम यथा माम कामिन्यसो यथा मन्नापगा अस। इसमें लिबुजा, एक लिबुजा वृक्षम, इनकी इनके इनको उपमान के रूप में लिया है कि जैसे बेल का कोई वृक्ष है और उसमें लता चारों ओर से लिपटी रहती है, लता उसका परिश्वजन यानी आलिंगन करती है, उसी तरह से यह स्त्री मेरे प्रति व्यवहार करे, चेष्टा करे। तो क्या इसमें संयोग श्रृंगार के रतिमूलक भाव को, रागात्मक वृत्ति को नहीं देखा जा सकता है? स्पष्ट रूप से हमें उसकी झलक यहाँ पर दिखाई देती है। ऋग्वेद के यदि आप उषस सूक्तों को देखें तो उषस सूक्तों में भी ऋषि की ये रागात्मक वृत्ति
वहां दिखाई देती है कि उषा एक कन्या के रूप में सुंदर वस्त्र धारण किए हुए अपने वक्ष को प्रकाशित करती हुई अपने प्रिय सूर्य के समक्ष गमन कर रही है। तो ये रागात्मिक आवृत्ति है और इसका प्रकाशन ऋग्वेद में भी हुआ है। लौकिक संस्कृत में रति जो है उसका देव कामदेव माना गया है और अथर्ववेद में स्मर सूक्तों के रूप में काम की या काम को देवता मानकर हमें अनेक मंत्र मिलते हैं। छठे मंडल में है, नवे मंडल में है, 19वें मंडल में है, लगभग मुझे 5-6 सूक्त ऐसे दिखाई दिए हैं जिनमें काम देव की चर्चा है और वो हमारे लौकिक संस्कृत में आने वाले जितने भी भाव हैं उनका आधार बने हैं, उनका मूल बने हैं। जैसे काम कोई देवता है, उसका वाण है, उसमें वो धनुष, उसके जो पुष्पों के वाण है वो वियोगी जनों को उनसे व्यथित करता है, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चर्चाएं हमें अथर्ववेद में भी दिखाई देती हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे श्रृंगार रस के आधार बनी है या मूल बनी है। मारण कर्म जितने भी हैं, मारण कर्म के पीछे असूया, अमर्ष, मन्यु, जिसको हम क्रोध कह रहे हैं, ये भाव अवश्य विद्यमान होता है। तो जो हमारे रौद्र रस है, रौद्र रस की अभिव्यंजना के मूल में ये मारण कर्म विद्यमान थे या इनमें जो चेष्टाएं होती हैं उनका संबंध, जो अनुभव रौद्र रस के हो सकते हैं, आंखों का लाल हो जाना, चेहरे का तमतमा जाना, ये सारे भाव हमें यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। जैसे एक मन्यु सूक्त का मैं आपको उदाहरण देती हूँ, उसका भाव यह है कि तुम अग्नि के समान प्रज्वलित होकर हमारे शत्रुओं को नष्ट कर दो और शत्रु तुमसे डर कर भाग जाए, उनको पलायन के लिए विवश कर दो। और दर्भ सूक्त है 19 का 28वां, उसको तो इतनी सुंदर अभिव्यक्ति, काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। उसमें दर्भ से प्रार्थना की है कि शत्रु को छेदन कर दो, भेदन कर दो, उसको पीस डालो, उसको जला डालो। छिंदी दर्भ सपत्नान, भिंदी दर्भ सपत्नान। तो ये पढ़कर एक ओजस्विता जो वाणी है वहां पर प्रयुक्त हुई है उसमें ओजस्विता, और उस ओजस्विता के द्वारा जो क्रोध है उसकी हमें स्पष्ट अभिव्यंजना दिखाई देती है। क्रोध से ही जो अभिव्यक्ति होती है वो करुण रस की मानी जाती है, क्रोधाच्य करुणो रसः, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति का विवेक नष्ट होता है, वो ऐसा कर्म करने के लिए विवश हो जाता है जिसका परिणाम शोक होता है, दुख होता है। तो यहाँ पर शोक संबंधी भी बहुत सारे उदाहरण हमें दिखाई देते हैं, विशेष रूप से जैसे रोग का प्रकरण है, रोग नाशन प्रकरण है, मृत्यु प्रकरण है, इत्यादि। इसके अतिरिक्त मोहन कर्मों की बात भी हमें वेदों में दिखाई देती है, इस अथर्ववेद में विशेष रूप से, और मोहन कर्मों का संबंध वीर रस और अद्भुत रसों से पर्याप्त साम्य रखता है, क्योंकि शत्रु हो या जो हमारे प्रति उदासीन है उसको कैसे वश में किया जाए, तो उसको वश में करने के लिए मोहन कर्मों का जो विधान किया जाता है उनमें जो उत्साह के अनुभव हो सकते हैं वो अनुभव देखे जा सकते हैं। इसी तरह से शत्रु का नगर है, ग्राम है, राज्य की प्राप्ति है, उनके संवर्धन के जो मंत्र यहाँ पर प्राप्त होते हैं, युद्ध का, दान का, तो इन्हीं से कहीं ना कहीं हमारे जो वीर रस में दान वीर, दया वीर, धर्म वीर इत्यादि जो रस आगे विकसित हुए हैं उनका मूल इसमें देखा जा सकता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण मुझे मिला है, जैसे विषा सहिम सहमानम सासहानम सहियासम सहमानम सहोजितम स्वजितम गोजितम संधनाजितम इद्यम नाम हवा इंद्रम आयुष्मान भूयासम। इसमें सूर्य और इंद्र की एक रूपता का वर्णन करके देखिए, सकार की बार बार जो आवृत्ति हो रही है इसमें अनुप्रास देखा जा सकता है। इससे शत्रु को दबाने का, उसको कुचल देने का इसमें जो भाव व्यक्त हुआ है, तो जो ये अनुप्रास में ही शैली है उसके माध्यम से और अधिक प्रगाढ़ बना है। वीर अद्भुत कर्मों को जन्म देता है, वीर के कारण, उत्साह के कारण व्यक्ति ऐसे ऐसे कर्म में प्रवृत्त हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी असंभव को भी संभव बनाने की स्थिति। और जहां असंभव को संभव बनाया जाता है या इस तरह के कार्यों में विस्मय और विस्मय का परिपाक अद्भुत रस के रूप में जो होता है वो यहाँ पर प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त भी हम देखें तो अद्भुत रस के
जो है ऋषि वाणी में अद्भुत तो जगह जगह व्याप्त है, क्योंकि उसको सृष्टि के जो ग्रह नक्षत्र वो विस्मित कर देते हैं। वो इंद्र के, सूर्य के, विष्णु के वीर कर्मों के कारण चकित है। इंद्रस्य वीर्याणि वीर्याणि कमनु प्रवोचम इत्यादि करके वो अपने इसी विस्मय भाव की प्रवृत्ति करता है, प्रकाशन करता है। नासदीय सूक्त में आप देखिए, वो सृष्टि के रहस्यों से ऋषि अपने को इतना उलझन में अनुभव करता है, उसको सृष्टि की गुत्थी सुलझती हुई दिखाई नहीं देती है, तो वो विस्मय से होकर कहता है, को अद्धा का यह प्रवोचन, खुद आ जाता इयम सृष्टि, अर्वा देवा अस्य विसर्जने ना था, को वेद यत आवभूवा। कहां से आ गई है विविध रूपों वाली सृष्टि, सो कुछ सोचता नहीं है वो, प्रश्न में ही अपने भावों की विश्रांति करता है। तो जो अलौकिक है, जो सामान्य दृश्यों से परे है, वो हमारे लिए विस्मय का कारण बन जाता है, और इस तरह के विस्मय के भाव हमें अन्य वेदों के साथ साथ अथर्ववेद में भी दिखाई देते हैं। इसी तरह से उच्चाटन कर्म है, उच्चाटन कर्मों का सीधा सीधा संबंध भयानक और विभत्स के साथ है। जैसे कल दुंदुभी की चर्चा हम कर रहे थे, तो दुंदुभी जहां उत्साह का संचार करती है, वहां प्रतिपक्षी में भय का भी संचार करती है, और जो भीरु प्रकृति का है, उस भीरु प्रकृति के मन में कैसे भय का संचार होता है। देखिए एक मंत्र, दुंदुभेर वाचम प्रयताम वदंतीम आशृण्वती नाथिता घोष बुद्धा नारी पुत्रम धावतु हस्त गृह्यामि भीता समरे वधानाम। एक कोई स्त्री है, जैसे ही दुंदुभी का घोष उसके कान में पड़ता है, वो इतना भयभीत हो जाती है, वो सीधा अपने पुत्र की ओर भागती है। नारी पुत्रम धावतु, दौड़ती है और उसको पकड़ती है कि कैसे मैं अपनी और इसकी रक्षा करूं। तो स्वाभाविक है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि जब दुंदुभी बज रही है, तो दुंदुभी का घोष एक पक्ष को तो बहुत उत्साहित कर देता है। दुंदुभी से प्रार्थना की गई है कि शत्रु को मार दो, शत्रु को पलायन के लिए विवश कर दो, तो दूसरी तरफ ये भाव भी वहां पर प्रकाशित हुआ है। और एक नारी के एक सुकोमल मन जो अपने पुत्र की रक्षा के लिए व्याकुल हो रही है, उसकी व्याकुलता का यहाँ पर प्रकाशन हुआ है। इस तरह के प्रचुर मंत्र आपको दुंदुभी सूक्तों में, जो कई मंत्र हैं, वो दिखाई देंगे। इसी तरह से शांत रस की चर्चा भी हम, शांत रस तो हमारे वेदों से होता हुआ मूलतः उपनिषदों में परिपाक को प्राप्त हुआ है, लेकिन अथर्ववेद में इस प्रकार के कर्मों के अतिरिक्त शांतिक कर्म भी मिलते हैं, जहाँ विविध उपद्रवों की शांति है, कहीं ग्रह बाधाओं की शांति की बात की जा रही है, कहीं जो इंद्रजन्य जो पीड़ाएं हैं, वायुजन्य पीड़ाएं हैं, जलजन्य पीड़ाएं हैं, उन पीड़ाओं से मुक्ति की बात की जा रही है। और इसके साथ साथ जो ब्रह्म सूक्त है, अथर्ववेद में इस तरह से लौकिक विषयों के साथ साथ ब्रह्म की चर्चा भी बहुत आई है। बहुत बड़ा भाग इसका जो है वो ब्रह्म की चर्चा करता है, उसके अद्वैत रूप का प्रतिपादन करता है। तो इसी कारण से अथर्ववेद का एक नाम ब्रह्मवेद भी प्रचलित है। तो यहाँ पर वो हमें शांतिक कर्म दिखाई देते हैं, यद्यपि ये सकाम है, जब यही निष्काम हो जाते हैं तो काव्य शास्त्र में इसको शांत रस का परिपाक माना जाता है, लेकिन शांति कर्म के मूलों में उस हम शम भाव की स्थिति देख सकते हैं, जो परिपाक शांत के रूप में होता है। तो इसी के साथ मैं संक्षेप में बस इतना कहना चाहूंगी कि जो रस है, उस रस की प्रतिष्ठा हमारे अथर्ववेद में विशेष रूप से हो चुकी थी, और अथर्ववेद ही नहीं, उसका संबंध अन्य वेदों के साथ भी था। इसलिए रसान अथर्वनादपि में अपि शब्द का विधान किया गया है, क्योंकि बहुत से मंत्र आप देखेंगे ऋग्वेद के अथर्ववेद में भी हमें मिलते हैं। इसी तरह से सामवेद का तो अधिकांश भाग ऋग्वेद से ही लिया गया है, और यही हमारे काव्य शास्त्र का मूल आधार बना है। इसलिए इस चीज में हमें किसी भी प्रकार की लेश मात्र भी संदेह की स्थिति नहीं रह जाती है कि जिस लौकिक रस की काव्य धारा की हम बात करते हैं या काव्य की आत्मा की बात करते हैं, उसका जो मूल उत्स है, उसका जो मूल रूप है, वो ईश्वरीय जो वाणी है, जिसको हम अपौरुषेय वेद कहते हैं, ईश्वर के निश्वास के रूप में कहते हैं, उस निश्वास से ही स्पंदित होकर हमारी लौकिक संस्कृत धारा में समाविष्ट हुआ है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ, मुझे अवसर दिया गया।